हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल और आपके अपने वॉल टेक्सचर चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कलर वॉश डिजाइन बनाकर दिखाऊंगा। मैंने पहले भी एक कलर वॉश के ऊपर डिजाइन के एक वीडियो बना रखी है, मगर कुछ भाई लोग कह रहे हैं अपने कि हमें कलर वॉश का ये डिजाइन समझ में नहीं आ रहा, आप दोबारा वीडियो बनाइए। इसलिए आज मैं कलर वॉश दोबारा से बना रहा हूँ, वो भी दो तरह से कलर वॉश आपको बना के दिखाऊंगा। जो भी आपको इजी स्टेप लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करने पहले मैं कहूंगा आप मेरी इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास है। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे इस चैनल को फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, साथ में छोटा सा बेल आइकन है, उसे जरूर प्रेस करिए। बेल आइकन प्रेस करने से आपको मेरे नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं ये भी कहूंगा आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। अगर आपको कुछ राय देना हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं इस पैनल पे मास्किंग टेप लगा दे रहा हूँ हाफ पॉइंट पे, जिससे कि आपको जो मैं बता रहा हूँ कि कलर वॉश का दो तरह से मैं आपको बना के दिखाऊंगा, तो ये दोनों स्टेप आपको आसानी से दिखाई देगा। मैंने मास्किंग टेप लगा दिया है, अब हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम ट्रे में मटेरियल लेते हैं, तो ये ट्रे में मटेरियल मैंने ले लिया है और इसे क्या करेंगे, फोम इसमें अच्छे से डिप करेंगे एक बार। डिप करने के बाद आपको जितना एरिया लेना है उतने एरिया में पहले आप कलर को इस तरह से फैला देंगे हल्का सा। इस चीज को, ये चीज ध्यान देने वाली है, इसको आप ध्यान से समझना थोड़ा सा। जितना एरिया आपको करना है उतना एरिया पहले उस एरिया में कलर लगा लेंगे इस तरह से। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से कलर लगा रहा हूं, इस तरह से कलर लगा लेंगे। और कलर लगाने के बाद आपको आगे का स्टेप बताता हूं किस तरह से करेंगे। इस तरह से मटेरियल लगाया मैंने एक किनारे पे, ये इतने पोर्शन में मटेरियल लगाया मैंने। और इसको क्या करेंगे, कैसे एक बार यहां एक्स्ट्रा मटेरियल निकाल लेंगे, सर्कल करेंगे एक दूसरे के अपोजिट साइड में, सर्कल करते चले जाएंगे। एक बार राइट की तरफ घुमाएंगे तो एक बार लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे। अब मेरे से मटेरियल थोड़ा कम हो गया है, तो अब क्या करेंगे, मटेरियल दोबारा से ले लेंगे इसी तरह से। ये हो गया अपना दोस्तों, ये पहला तरीका। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, दूसरा तरीका भी उसी तरह से करेंगे। हम ट्रे में मटेरियल आगे की तरफ ले लेंगे और आगे की तरफ लेने के बाद मटेरियल को इस तरह से मैंने लिया। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, मटेरियल हमें ज्यादातर आगे की तरफ रखना है, पूरे में मटेरियल नहीं लगाना स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद आपको इस तरह से लगा देना है। फोम को हमने साफ कर लिया और हम इसे क्या करेंगे, जितना भी ये स्टॉक है सारे स्टॉक को हम
मर्ज कर देंगे आपस में, ये सारा मिक्स हो जाएगा। एक ये भी स्टेप है कलर वॉश बनाने का, और बहुत आसान स्टेप है ये वाला। अगर आपको लगे कि मटेरियल कहीं काम लग रहा है, तो मैंने ट्रे में हल्का सा इस तरह से ऐसे करके मटेरियल लगा लिया है, और इसे हम बीच बीच में यूं भी कर सकते हैं, कहीं कहीं मटेरियल थोड़ा बीच में कहीं कहीं ज्यादा रहेगा, फिर अपना जो कलर वॉश है बनने में और भी अच्छा लगेगा। आप देख रहे हैं दोस्त, मुझे पसीना आ रहा है, पसीना इसलिए आ रहा है, रॉयल प्ले का कोई भी डिजाइन हमें करना होता है तो हमें इस तरह से करना होता है कि रूम, जो भी रूम है उस रूम में हवा ना आए, अगर हवा आएगी तो आपका मटेरियल सूख जाएगा, और मटेरियल सूखने के बाद क्या होगा, आपका डिजाइन सही से नहीं निकलेगा। इसलिए मैंने भी रूम बंद कर रखा है पूरा पैक है चारों तरफ से, और ह्यूमिडिटी की वजह से मुझे पसीना आ रहा है। अब थोड़ा सा वेट करेंगे, ये हल्का से ड्राई होगा तो फिर हम इस पे आगे का वर्क करेंगे। आगे का वर्क करने के लिए दो फोम हमें चाहिए, एकदम सूखे फोम चाहिए, इसमें कलर लगा ना रहे, इस तरह का फोम चाहिए, और हल्का से ड्राई होने के बाद इसे एक बार चेक करते हैं ड्राई वर्क में, ये ड्राई हो रहा है। जिगजैग करके इस तरह से आप देख रहे हैं मैं किस तरह से कर रहा हूं, जिगजैग करके इस तरीके से। ये स्टेप हो गया स्टेप वन, अब इसे हम थोड़ा सा और छोड़ेंगे ड्राई करने के लिए, जब तक हम इस वाले को बना लेते हैं, जैसे मटेरियल ज्यादा लगा था तो इसे सूखने में और भी ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब इसे सुखाना नहीं है इसे पूरा, इसे सेमी ड्राई करना है, हल्का सा सूखा हो, फिर उसके बाद हम इसे आपस में इस तरह से मर्ज कर सकते हैं। और ध्यान ये देना है कि एक ही तरफ हाथ नहीं चलाना, आपको कभी इस तरह से हाथ चला में, कभी इस तरह से, कभी ऊपर से नीचे, तो जिगजैग करके आगे पीछे से ऊपर नीचे से इस पे हाथ चलाना है। अब इस पे कर लेते हैं दोबारा से फिनिशिंग दे देते हैं इसको। थोड़ा सा इसको और भी इसे थोड़ा सा और ड्राई होने देंगे। अगर दोस्तों अगर आप बड़ी मॉल में बनाते हो तो बड़ी मॉल पे आपको थोड़ा और भी आसान होता बनाने का, क्योंकि छोटी मॉल में क्या होता है, इतने ही पोर्शन में मैंने बनाया है और इतने ही पोर्शन में मुझे टाइम भी देना है कि थोड़ा सा ड्राई हो। बड़ी मॉल में क्या होता है, सपोज करो ये पूरी बड़ी मॉल है, हमने इतना मटेरियल लगा दिया पहले, अब इतना मटेरियल लगाने के बाद स्टार्टिंग जैसे मैंने इसमें हाथ घुमाया था आपने, उस तरह से स्टार्टिंग में इतना मटेरियल लगाने के बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, जब तक आगे का मटेरियल लगाएंगे तब तक ये इस पोर्शन का मटेरियल अपना सेमी ड्राई हो जाएगा, यानी हल्का सा सूख जाएगा, तो उससे क्या होगा हमें इस तरफ का डिजाइन बनाने का अच्छे से टाइम मिल जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है इसमें क्योंकि छोटा पैनल है। Thank you.
सब्सक्राइब हुआ कि नहीं। दोस्तों डिजाइन अपने बन के कंप्लीट हो गया, अब हम क्या करेंगे मास्किंग टेप निकाल देंगे। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा ये कलर वॉश डिजाइन मैंने आपको बना के दिखाया। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और हाँ फ्रेंड्स अब मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय।